हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट वुमेन, जहां मैं बात करती हूँ फैशन, ब्यूटी एंड लाइफस्टाइल के बारे में। लेकिन आजकल लाइफस्टाइल का कुछ भी मतलब फैशन से रिलेटेड ज्यादा कुछ भी अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। आप मेरे चेहरे को देख के लग सकता होगा कि मैं कितनी ज्यादा थकी हुई हूँ, बहुत ज्यादा। एंड तो जिसके कारण वीडियोज में थोड़े दिन में गैप आ रहा है, तो मैं थोड़ा हमेशा कुछ ना कुछ ब्लॉग डाल दे रही हूँ। अभी भी ये वीडियो जब आप देखोगे एक्चुअली 5 to 6 days हो जाएंगे इसको शायद अपलोड करते करते, भगवान करे 5 दिन बाद तो डाल ही दू। तो ये वाला जो मैं ब्लॉग है बना रही हूँ उस पर कि मैंने कैसे डेकोरेट किया है घर अपने दिवाली के लिए। एंड एक्चुअली क्या है ना, इतना ज्यादा वर्क प्रेशर है कि ये करना है, वो करना है, इसके बाद ये करना है, इसलिए जो सोच रही हूँ ऐसा ऐसा करने का, वीडियोस बनाने का, वो बना नहीं पाती हूँ। तो अभी मैं एक पार्टी करने वाली हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ, और उसका एक कैसे घर मैंने डेकोरेट किया, तो ये चीज मैं आपको इस ब्लॉग में दिखाऊंगी। एंड इसके बाद हम धनतेरस हम सेलिब्रेट करेंगे घर पे, और छोटी सी वीडियो 2-3 मिनट की वीडियो मैं बना पाऊंगी, क्योंकि यार अभी दिवाली के टाइम पे इतना ज्यादा काम हो रहा है, मुझे नहीं लग रहा कि पार्टिकुलरली हर चीज का बना पाऊंगी। बट हाँ, एक छोटा सा एक मतलब डे जो कैसे स्पेंड करती हूँ मैं धनतेरस पे, उसकी छोटी क्लिप आपके साथ जरूर दिखाऊंगी। एंड उसके बाद मुझे पैकिंग भी करनी है और घर जाना है इन-लॉज के पास, तो दिल्ली भी जाना है, वहां पे मैं दिवाली बनाऊंगी। एंड छठ पूजा होता है हमारा मेन, तो छठ पूजा हमें करना है। तो वो सब चीज करने के बाद मैं फिर रिटर्न आऊंगी चंडीगढ़। तो अभी बेसिकली चलो मैं आपको अपना घर दिखाती हूँ कि मैंने कैसे सजाया है और इतना कुछ बनाया है खाने वाला एंड ऑल। थक गई हूँ बहुत ज्यादा। एंड खाने में मैंने बनाया ऐसे कुछ, पहले मैं हमेशा डिनर टाइप प्रिपेयर करती थी, बट इस बार मैंने डिनर के टाइप नहीं सोचा है, प्रिपेयर किया है। अभी मैंने पहले स्नैक्स में जैसे क्रिस्पी कॉर्न बनाया है, फ्रेंच फ्राइज तल दिया था, एंड चिप्स है, आप देखोगे शायद दिखा पाऊं तो। और सेकंड में मैंने बनाया है टिक्की, आलू की बना के उसको फ्राई करके रख लिया है। और जो मटर छोले होते हैं ना, छोले, उनको जो मार्केट में आप देखते हो ना ब्लैक कलर के काबुली छोले जो बनते हैं, तो टिक्की उस टाइप से बनाया है, उसको चाय पत्ती एंड गरम मसालों के साथ बॉयल करके वो बनता है। तो शायद वो वाले छोले मैंने अपने चैनल पे भी पहले पहले जब बनाती थी खाने का तो डाला है, वो आप देख सकते हो। तो वो मैंने बनाया है। एंड थर्ड में मैंने दही बड़े बनाए हैं। एंड लास्ट में मीठे पे मैंने बनाया है फालूदा। तो फालूदा मैंने मिक्स करके जो बनाते वो नहीं बनाया, क्योंकि यार वो मार्केट टाइप का, आई डोंट लाइक दैट। तो मैंने पार्टिकुलरली जैसे दूध को जला के उसमें हाफ करके फिर सेवैयों को कितना पोर्शन में डालना है, तो आप यूट्यूब पे देखोगे तो मिल जाएगा, तो उस हिसाब से बनाया है। तो ये है, इतने ही काम करने के बाद इतना किया है। देखते हैं पार्टी कैसे रहती है। मेरे जो अनमोल रत्न्स हैं, जो मतलब मेरे बेसिकली मेरे पार्टी में रहते हैं हमेशा, वो लोग नहीं हैं, वो लोग घर जा रहे हैं, वो लोग हैं नहीं। तो देखते हैं पार्टी इंजॉय करती पाती हूँ या नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मैं बहुत थकी हुई हूँ। बट हाँ, मैं रखती हूँ इसलिए मेरे को रखना था। तो चलो स्टार्ट करते हैं, दिखाती हूँ आपको मैं अपना सबसे पहले एंट्रेंस, उसके बाद धीरे धीरे घर। सो फ्रेंड, ये मेरे एंट्रेंस का वॉल है, इस पे मैंने ये राजस्थानी स्टाइल का ये लगाया है जो आप देख सकते हो, और इस साइड पे यही लटकन एंड ऑल से डेकोरेट किया है। एंट्रेंस पे मेरी एक चीज बाकी रह गई थी, यहाँ पे मेरे को कर्टन लगाने थे, बट वो जैसा कर्टन खोज रही थी वैसा मिला नहीं। एंड इस टाइप पे डिफरेंट टाइप ऑफ गणपति है मेरे, और तो वो मिलेगा तो आपको शायद धनतेरस के टाइम पे मैं दिखाऊं, और इसलिए मैंने लगाया नहीं। मैं सोच नहीं रही थी यार कि कैसे भी कुछ भी नहीं लगाना, मेरे को जो मिलेगा जो दिमाग में वही लगाना है। तो यहाँ पे मैंने हैंगिंग प्लांट्स मंगाए हैं, ये वाले प्लांटर मैंने बहुत पहले से खरीद के रखा था, एंड अभी मैंने इसको डेकोरेट किया है। एंड यहाँ पे ये फ्लावर वाले से किया है, लड़िया लगाई हैं, और ये जो लाइट्स है ना, वो वैसे वाली लाइट्स नहीं होती जो कर्टन के ऊपर लगती हैं, तो ये वाली लाइट है।
सारी जो चीजें आप देखोगे ना वो हर बार कहीं ना कहीं मैं घूमने गई हूँ तो वहां से परचेज किया है। मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, गला आप देख रहे हो बच गया। ये डॉल्सी जब हम मसूरी गए थे तब की है, वो जो ऊपर आपने बुद्धा देखा वो सिक्किम गए थे तब का है। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था इन सब चीजों को निकालने का, बट मेरे हस्बैंड ने निकलवा दिया है। ये सारी चीजें बहुत दिनों से मैं कहीं कहीं जाती हूँ तो खरीद के रख लेती हूँ, वो वैसे रखा हुआ था। एंड इस सफाई में जब इसने देखा बोला ये क्या पागल है, सारी चीजें बस खरीदती है लगाती नहीं है। मैंने कुछ सोच के नहीं लगाया था, बट इसने इतना जिद किया ना कि मेरे को लगा नहीं यार लगा ही देती हूँ। फिर बोलता है कि बाद में फिर और नया खरीद दूंगा। मैंने कहा यार रहने दो यार, फिर तो करके मतलब मैं ज्यादा बहस नहीं करा, मैंने फिर लगा दिया जो चीजें मैं निकाली थी। तो ये वहां से है। एंड जो आपने भी उधर पैरोट देखा वो मैंने अमेजोन से परचेज किया था एक 1.5-2 साल पहले। एंड ये वाली यहाँ पे एक चीज की भी कमी है, वो आगे कभी पूरी करूंगी आपको बताना कुछ कमी लग रही थी क्या उधर। और ये जो साइट है उसके फ्रंट का साइट है मेरा, तो इस वॉल पे ये पेंटागन वाले लगाए हैं मैंने सेल्फ्स। और ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट है क्योंकि मैं यूट्यूब करती हूँ तो कैमरा एंड फैशन से रिलेटेड वो मैंने रखा है। और ये सिप है कई, ये गोवा से लिया था, ये मेरे फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट किया था। वो जो आप कप देख रहे हो वो मैंने कहाँ से लिया था यार, ये हाथी राजस्थान जयपुर का है। एंड वो जो उधर इत्र रखा हुआ है वो गिफ्टेड है, वो मक्का मदीना का है। एंड तो इस तरह से है चीजें यार। ये मार्बल वाला मैंने कहाँ से परचेज किया था, बट कहीं घूमने गए थे तो उसको परचेज किया है। एंड ये इधर भी दो हैंगिंग प्लांट्स जो आप देख सकते हो। ये कर्टेन आपको कैसा लगा, ये कर्टेन मैंने खोजने में अपने हस्बैंड को इतना दौड़ाया है, मेरे को कॉम्बिनेशन जो चाहिए था वो नहीं मिल रहा था तो लास्टली मिला। एंड ये जो क्यूटेशन आप देख रहे हो, जिंदगी वाला निकलोगे तभी पहुंचोगे, तो ये कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप मेरे घर में देखोगे वो रिलेट करती है हम लोगों से। तो क्योंकि हम हर किसी का अपना घर अपने अंदाज का होता है तो ये मेरे अंदाज का है। तो इस तरह से ये रेडियो एंड ये भी मैंने अभी दिवाली पे ही परचेज किया है। ये वॉल आपने मेरे ब्लॉग्स में देखा होगा, ये मेरी कुछ वन ऑफ फेवरेट मोमेंट्स है, तो इसको मैंने वॉल पे लगाया हुआ है। एंड ये स्टिकर्स बेस्ड है एंड उसके ऊपर से फ्रेम को पेस्ट किया है। ये यहाँ पे होम सेंटर से ये मैंने लिया है, जो आप टेबल पे देख रहे थे दियो के साथ। और आते हैं मेरे घर का सबसे सुंदर में से एक सुंदर वॉल। तो ये जो आप प्लेट्स देख रहे हो, ये प्लेट्स मैंने एलांटे से लिया था, आई थिंक यस एलांटे से लिया था। यहाँ पे एक चंडीगढ़ में मॉल है तो थोड़ा प्राइसी रहता। एंड जो आप देख रहे हो बार का रूल्स जो है, ये मैंने देहरादून से लिया था, आई थिंक वो कहीं किसी शॉप पे मेरे को दिखा था। तो इसी तरह से कोई शिमला का है, कोई कहीं कहीं जैसे घूमने जाती थी तो खरीद के रखा है, एक टाइम पे पर्टिकुलरली नहीं खरीदा है ऐसा। इस तरह के क्यूटेशन वाले मेरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद है, जैसे ये चेयर्स वाले कि सेव वाटर ड्रिंक बियर, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा। और ऊपर जो हैंगिंग लगे हुए हैं ना, इसमें भी लाइट्स लगी हुई है, ये मैंने ऊन से बनाया था। एंड काफी अच्छा लगता है, लाइट्स बंद कर दो तो कुछ इस तरह का ही इफेक्ट देगा। ये जो है डॉल्सी का रूम है, तो इधर के वॉल पे पूरे स्टिकर्स लगे हुए हैं, शायद आपने पहले वाले ब्लॉग्स में देखा होगा। एंड ये इसकी टैडीज हैं, सिर्फ टैडीज जो जिनसे ये खेलती है, जिनसे ये नहीं खेलती है वो नहीं है यहाँ पे। तो ये वाले हैं जो सबसे छोटे वाले हैं उनके फेवरेट है, ये बड़े वाले कभी कभी चलते, दिन में एक राउंड चलते हैं इनके। तो इस तरह से है। और इस रूम को मैंने इसकी टॉयस से इधर कर दिया था क्योंकि बैकग्राउंड जो है इसका, मैं यहाँ पे वीडियोस बनाती तो उसको चेंज नहीं करना चाहती थी। एंड ये इस तरह से मेरा आज का ड्रेस था, मेरे बाल भी अभी गीले ही हैं, जस्ट नहाई थी यार, तो मतलब पूरा इस तरह से। इस पे ऐसा चुन्नी भी है येलो कलर की, तो काम करने के दौरान मैंने हटा दिया है। और ये एक इस साइड का वॉल है जो इस तरह से मैंने डेकोरेट किया है, इस पे ये मिरर वर्क है किया हुआ है इसके ऊपर। इसको क्या कुछ अर्बन कुछ ऐसा कुछ बोलते हैं यार, इसका पार्टिकुलर नाम नहीं पता नहीं मुझे। ये मेरा बेडरूम है,
ये जो आप देख रहे हो वॉश, ये वॉश मैंने बड़ा महंगा है यार, ये मैंने पता नहीं जब लिया था तो मेरे को लगा था यार क्यों ले लिया, बट जब अभी लगाया ना तो बहुत ही ज्यादा ग्रेस आ रहा था, बट इसमें और ज्यादा ग्रेस आएगा जब अब इसमें नेचुरल फ्लावर्स लगा के डाइनिंग पे रखूंगी। तो अभी मेरे पास डाइनिंग नहीं है तो मैंने इसको साइड टेबल पे ही इस तरह से डेकोरेट कर दिया है, एंड होम सेंटर का ही है वो भी, एंड साइड आइटम 3000 के अराउंड होगा। ये मैं मनाली गई थी तो ये दो हंसों का जोड़ा लेके आई थी और को इस तरह से रखा है अभी फिलहाल, बट देखो आप बताना कैसा लगा आपको। ये बाहर का डेकोरेशन है, आप देखते होगे यहाँ पे खड़े होके मैं वीडियोस भी बनाती हूँ, एंड इस दर साइड पे पर्पल कलर डॉल्सी को चाहिए था पर्पल पिंक, तो हमने इस तरह का लाइटिंग इधर किया है आगे से उस तरह से। ये वॉल भी मैंने खुद बनाया है, पहले बताया होगा शायद आपको, तो ये मैंने खुद ही इस वॉल को किया। अब यहाँ से हमारी गेमिंग स्टार्ट होगी, अब ये बंदी रिप्लेस हो गई है, क्या अरे इससे पैसा रखवाओ पहले, सोनल सोनल रखी ना, वो जो जीत राजा होगा उसको एडवांटेज मिलेगा, तो इसे रखवा 20 रुपया उससे रख, सोनल ने रखा है चुप है, बहुत तेजा है ये, तो तेरे को क्या है? मेरे को तो चोर था लेकिन बच गई हूँ माँ ही जो ने फुल येलो सूट, उसको पता नहीं कैसे भी हम लोग फेंक रहे थे पत्ती, उसको ही राजा आ रहा था अराउंड, मतलब 10-15 बार खेला होगा तो 12 बार उसको राजा ही आया है, तो वही जीती थी ये गेम। और यहाँ से हम डांस स्टार्ट करेंगे, ये
अरे यार कोई एसी चला दो यार। सही है। शॉपिंग ते ले जा मैनू पट मोड़िया भी बड़ा दिल करदा है साड़िया ने पाया नवा ही ट्रेंड आया मैनू किल करदा है जदों पाके आई मूं उदों तकेंगा तू मैनू पाके आई मूं उदों तकेंगा तू मैनू जट्टा प्यार तैनू हो जाएगा गल्लां नाल होणा नी गुजारा लगे मैनू कुछ अच्छा।
सो फ्रेंड यहाँ के बाद हम लोग ने तंबोला खेला, बट कुछ लोगों के कारण एक ही पर्ची पे खेला कि नहीं जल्दी करना है करके, तो कोई नहीं, बट एक पर्ची पे ही हमने तंबोला खेला। इसके बाद मैंने वही फालूदा सबको मीठा खिलाया, एंड होल बताओ तो बड़ा मजा आया, बहुत मजा आया, लेकिन कुछ लोगों के कारण मजा भी नहीं आया, थोड़ा टाइमिंग का इश्यू हो गया, क्योंकि कुछ लोगों को जल्दी जाना था, कुछ लोगों का सबका धनतेरस का कुछ था कि हाँ जाना है मेरे को पहले आना, तो कोई जा रहा था कोई आ रहा था। तो अगले बार का कंक्लूजन मैंने ये निकाला कि जिनकी टाइमिंग सेट नहीं होगी उनको मैं नहीं बुलाने वाली हूँ, कि यार फिर वो मजा किरकिरा करने वाली बात हो जाती है, तो उनको नहीं इनवाइट करने वाली हूँ, क्योंकि ना उनका प्रोग्राम अच्छा हो पाएगा ना मेरा प्रोग्राम अच्छा हो पाएगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि अगले बार से जो लोग मेरे टाइम के अकॉर्डिंग फिट होंगे उनको ही इन्वाइट करूंगी, अदरवाइज नहीं, क्योंकि मेरे दिन को खराब करने का कोई मतलब नहीं है। तो इन्होंने आपने देखा कि मैंने इतनी ही मस्ती करी, एंड आगे देखते हैं और क्या करते हैं। तब तक टाटा बाय, टेक केयर।